फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमने 106 तक क्वेश्चंस कर लिए थे, आज हम करेंगे 107 से लेकर क्वेश्चन नंबर 120 तक। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है 6735 स्टार 1 में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो। दोस्तों, हमें ऐसी संख्या बतानी है कि इनका टोटल आएगा वो हमारा 9 से डिवाइड होना चाहिए। आइए देखते हैं इनका टोटल क्या है। 6 7 3 5 1 स्टार स्टार इनका टोटल देखेंगे हम। 6 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 टोटल आ गया इनका। दोस्तों, हमारा 22 9 से डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा 22 आएगा, ये हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो फिर हम इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़े एक अंक की जो हमारी 9 से डिवाइड हो जाए। तो फिर 9 2 18 9 3 27, तो हमारा 27 आ रहा है। तो फिर 27 करने के लिए हम इसमें 5 ऐड कर देंगे। हमने 22 में 5 ऐड करे तो आगे यहाँ पर हमारा 27 डिवाइड बाय 9, 9 एकम 9 होती है 27। दोस्तों, हमारे यहाँ पर आ गया 3। दोस्तों, ये हमारा हो गया 3, ये हो गया हमारा, ये हमारा 3 आया। तो इसका मतलब ये 9 से हमारी कट गई है। जो हमने संख्या कौन सी जोड़ी है, 5 जोड़ी है। दोस्तों, जितनी संख्या हमने जोड़ी है 5, तो हमारा 5 हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 के बारे में। किसी दो अंकीय संख्या को दो बार बार साथ लिखकर 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है। कोई भी दो अंक की संख्या आएगी, जैसे कि 1515, ये 1515 दो बार आ रहा है इसमें, 3737 ये भी दो बार आ रहा है, आदि इस रूप की कोई भी संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात याद करनी है, जब भी कोई भी संख्या दो दो बार रिपीट हो तो वो हमेशा 101 से ही डिवाइड होगी। तो ये आपका 101 यहाँ पर हो गया आंसर। ठीक, यही था बस। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पी तथा क्यू अंक निरूपित करें तो कथन 5PQ+3 2 7+2 Q 8 = 11 14 आना है। मैं क्यू का संभव अधिकतम मान क्या होगा, हमें इसमें क्यू का मान निकालना है। तो हमें ऐड करेंगे, देखिए 5PQ और ये 3 2 7 और 2 Q 8, इसे हमें लाना है 1 1 4 1 4 लाना है इसे हमें टोटल ऐड करके। ठीक है, देखते हैं 7 7 14 1 15, यहाँ पर 15 आ रहा है। तो फिर हम इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि ये हमारी वो ये 9 आएगा, 5P9 आएगा, हाँ ये 9 आएगा। 9 और 7 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 आ गया यहाँ पर, 2 कैरी गया, 2 2 4 एक यहाँ पर आ गया 1। तो हमें एक लाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि हमारी जो ये संख्या है, तो उसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे 7। तो फिर 7 4 होता है 11, एक यहाँ से इधर चला गया, तो फिर एक यहाँ से इधर, हमने इसमें यहाँ पे 7 जोड़ा, हमने इसमें यहाँ पर दोस्तों 7 जोड़ा, जिससे हमारा नीचे 1 आ गया। अब ये भी नीचे इधर 1 ही आना चाहिए, इधर देखते हैं साथ में 1 6 2 8 9 10 11, देखिए यहाँ पर भी 1 आ रहा है। तो हम ये मान लेंगे कि यहाँ पर क्यू का अधिकतम मान हमारा होगा 7, क्यू का संभव अधिकतम मान होगा हमारा 7, क्योंकि इससे हमारे यही जोड़ने पर हमारा आंसर आ रहा, अधिकतम मान हमारा 7 हो जाएगा, वो इसलिए नीचे ये आ गया आंसर। नीचे 1 लाने के लिए हम इसमें 7 को ऐड करेंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 के बारे में। संख्या 50 27 89 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए दोस्तों, जब भी हम लास्ट की दो डिजिट में एक जोड़ेंगे तो 90 में भी 4 से भाग नहीं होगा। अगर हम इसमें 2 जोड़ेंगे दोस्तों, हमें पहले मैं आपको बता दूं कि 4 से वो संख्या डिवाइड होती है जिसकी लास्ट की दो संख्या 4 से पूरी तरह कट जाती है, तो इसमें 89 नहीं कटती। तो हम इसमें ऐसा क्या जोड़े कि इससे हमारा डिवाइड हो जाए। 89 में देखते 4 2 8 4 2 8, हमें यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर हमें 3 जोड़ना पड़ेगा, तभी हमारी ऐड वो होगी हमारी। देखिए, अगर हम इसमें 3 जोड़ेंगे तो 89 में तो हमारा आंसर आएगा इसमें 89 90 91 92। अगर हम इसमें 89 में हम +3 कर देंगे तो आएगा हमारा यहाँ पर 92 और ये डिवाइड बाय 4, 4 1 4 2 8 4 6 12, तो यहाँ पर हमारा 23 आ गया। दोस्तों, अगर हम इसमें 3 जोड़ेंगे तो हमारा पूर्णतः विभक्त आ गया, 3 हमारा आंसर आ गया। ठीक दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। 80 36 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल पूर्णतः 11 से पूर्णतः विभक्त हो। दोस्तों, देखते आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। 80 11 देखते हैं जब हम इसमें, दोस्तों क्या करेंगे, जब भी आपसे कहा है 11 से कौन सी संख्या होगी वो पूर्णतः डिवाइड हो जाए। दोस्तों, मैं ऐसी संख्याओं को करने के लिए इसमें ऐसे ऐसे जाते हैं, एक संख्या छोड़कर और एक संख्या छोड़कर और नीचे से एक संख्या छोड़कर फिर एक संख्या छोड़कर, इन्हें हम ऐड कर लेंगे। देखते हैं 8 और 3 11 11 और 4 15, यहाँ पर आ गया हमारा 15 और हम ऐड करेंगे 6 और 2 8,
यहाँ पर आइए हमारा 8, अभी इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 7, और हमें इजीगस्ट में 0 लाना है तभी हमारी डिवाइड होगी। तो फिर ये जो हमारा 15 - 8 इजीगस्ट में 0 आना चाहिए, तो फिर हम इसमें क्या करें कि ये जिससे हमारा 7 है यहाँ पर 0 आए, तो दोस्तों हम यहाँ पर 8 है, 8 में हम 7 जोड़ देंगे तो फिर हमारा हो जाएगा 15 - 15 इजीगस्ट टू 0। दोस्तों हमें इसमें 0 लाने के लिए हमने क्या करा है, इसमें 7 ऐड करा है, तो फिर दोस्तों हमारे यहाँ पर 7 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 के बारे में। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 156 - 942 में लुप्तांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें अंक ज्ञात करना जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो मैंने अभी आपको यहाँ पर 11 से डिवाइड होने वाला रूल बताया, ये क्या था कि एक एक संख्या छोड़कर वो करेंगे, ऐसे हम इसमें करेंगे एक संख्या छोड़कर ये, और फिर 9, फिर ये 2, अब ये फिर ये। ठीक है, अब हम इसे ऐड करेंगे 6 - 7, 7 - 9 - 16, 16 - 2 - 18। दोस्तों यहाँ पर आ गया हमारा 18 माइनस, और ये हमारा कितना आ गया 4, और एक 4 - 5 - 9 आ गया। इजी कस्टू हमारा 0 आना चाहिए। अब हम यहाँ पर क्या करें कि ऐसी संख्या की हमारा 0 आ जाए, तो दोस्तों हम इसमें 9 और जोड़ देंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, 18 - 18। दोस्तों हमने इसमें 9 जोड़ा तो हमारा 9 ही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 के बारे में, 41116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। दोस्तों 8 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए हम लास्ट की 3 डिजिट को देखते हैं कि हमारी उससे डिवाइड हो रही है नहीं, 4 - 2 - 8 और 4 - 9 - 36। दोस्तों हमारी जो लास्ट की 3 वैल्यू है 8 से डिवाइड भाग जाना चाहिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं, जो फिर हमें 141116 और इसमें हम प्लस 4 कर देंगे तो हमारी क्या कहते हैं 3 वैल्यू में 8 का भाग जाना चाहिए तो हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी। देखते हैं, क्योंकि हमारे 116 तो जाने की नहीं 8 से, देखते हैं 8 - 8 = 11, 8 के टेबल में 36 आता नहीं, तो फिर अगर हम इसमें हम 4 ऐड कर देंगे 116 में हो जाएगा 120, तो फिर अभी हमारा 8 से डिवाइड चला आएगा, 8 - 8 = 8, 8 - 4 = 12, 8 - 5 = 40, हमारा चला गया 15 आ गया। तो फिर दोस्तों हमने इसमें 4 ऐड कराया ना तो हमारा 4 आंसर हो गया। ठीक, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 के बारे में, यदि 1 - 3 - 6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा। दोस्तों मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, एक संख्या छोड़ के फिर एक संख्या छोड़ के फिर नीचे से एक संख्या छोड़ के। देखते हैं अब क्या होता है, 1 + 3 - 4 - 6 - 10 - 10, और ये माइनस, यहाँ पर तो 0 है, हमें इजी कस्ट टू लाना 0, तो अब हम इसमें क्या जोड़े कि हमारा 0 आ जाए, तो हम इसमें 10 जोड़ेंगे, 10 - 10 = 0 और यहाँ पर 10 हमारा हो गया आंसर। देखिए कितना सिंपल था। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पर, यदि संख्या 48 - 327 * 8 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान होगा। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर, फिर 11 से विभक्त होने वाली संख्या आ गई। देखते हैं यहाँ पर, एक संख्या छोड़ के फिर एक संख्या छोड़ के फिर एक संख्या, फिर एक संख्या छोड़ कर नीचे से फिर यहाँ पर, तो फिर हमारा 4 + 3 - 7 - 7 - 7 - 14 - 14 - 8 - 22, ये हमारा हो गया 22 माइनस, और ये हम यहाँ पर करेंगे 8 - 2 - 10, ये हमारा आ गया 10, इजीगस टू आना चाहिए हमारा 0। अब हम इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि हमारे यहाँ पर ये वो 11 से विभक्त हो, या हमारा यहाँ पर 11 आना चाहिए 11 से विभक्त हो, तो स्टार का मान क्या होगा, हमारा 11 से विभक्त होना चाहिए तो स्टार का मान बताना हमें। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर 22 - 10 इजीगस टू में हम यहाँ पर 1 + 1 करेंगे 11 जाएंगे तो फिर हमारा 11 आ जाए, 11 इजीगस टू 11, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 11 से 11 कट जाएगी तो फिर हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें 1 जोड़ा, तो उससे ऐसे ऊपर वाले में होगा, यहाँ पर गलती हुई थी, यहाँ पर ये 11 है, 11 से विभक्त हो तो y का मान पूछा इसके अंदर, तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये 10 आ गया यहाँ पर, और ये यहाँ पर 0 आएगा, तो फिर हम इसमें 0 में क्या करेंगे कि ऐसा कि इसका मान है यहाँ पर 0 लाने के लिए 10 ही होना चाहिए था, क्योंकि 2 की यहाँ पर 2 की जगह 5 आएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि y इजीगस टू हमारा 5 हो जाएगा। देखते हैं कैसे आएगा, वो 6 - 7 - 10 - 10 में से इधर घटाएंगे तो फिर ये हो जाएगा 2y, तो फिर 2y जाकर हो जाएगा 2 - 5 - 10, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 5, तो फिर हमने यहाँ पे 5 घटाया तो हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, 2 - 5। दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 के बारे में, देखते हैं 116 स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या, स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 6735 * 1 पूर्णतः 9 से विभक्त हो जाए।
दोस्तों देखिए अब यहाँ पर 9 से विभक्त होने वाली आएगी। तो दोस्तों मैंने ऐसे क्वेश्चन में बता 9 का रूल बताया था कि सारी संख्या को जोड़ देंगे और डिवाइड करके देखेंगे। देखते 9 से रूल होने वाला है। 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17, 17 और 5 22, 17 और 5 होगा यहाँ पर 22। दोस्तों हम 22 से 9 का डिवाइड करके देखेंगे क्या ये हो रही है डिवाइड, नहीं हो रही। तो हम इसमें ऐसे कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि जिससे 9 से डिवाइड हुआ है। दोस्तों हम इसमें 5 जोड़कर देखेंगे। तो फिर 5 जोड़ा तो हमने यहाँ पर आ गया 27, 27 से 9, 9 से 27 तो हमारा आ गया 9 से पूरे पूरे डिवाइड हुआ। तो यहाँ पर हम 5 जोड़ेंगे, ये हमारा 5 हो जाएगा आंसर। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 के बारे में। यदि 671 स्टार 480 पूर्णतः 9 से विभक्त है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। दोस्तों देखिए ये 9 से विभक्त होने का मान वही आएगा, सबको ऐड करके देखेंगे। 6 और 1 7 7 7 14 14 4 18 18 19 20 21 21 और 8 हो गया 29। दोस्तों यहाँ पर आ गया 29 और ये डिवाइड बाय 9, ये हमारा 9 से डिवाइड नहीं होएगा। तो हम इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़े, एक ही अंक की ऊंची है जिससे हमारा याद है। दोस्तों हम इसमें 7 जोड़ कर देखेंगे, 29 और 7 यहाँ पर हो जाएगा 36। दोस्तों हमारा 36 चला आएगा 9 से, 9 एकम 9 चौक 36। दोस्तों हमारे यहाँ पर 4 आ गया। तो फिर हम इसमें कौन सी संख्या जोड़ी थी, 7 जोड़ी थी, तो जिससे हमारा पूरा पूरा डिवाइड हुआ तो हमारा 7 ही यहाँ पर आंसर आ गया। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 के बारे में। यदि 157 स्टार 234 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर, यहाँ पर 3 से विभक्त होने का मैंने रूल बताया था। अगर दोस्तों 9 का और 3 का रूल बिल्कुल सेम ही होता है, जैसे कि सभी को जोड़कर संख्या से डिवाइड दे दीजिए, तो दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा, 5 और 1 6 और 6 6 और 7 13 13 और 2 15 15 और 4 19 19 और 3 22। दोस्तों हम यहाँ पर 22 को हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे, नहीं हो रहा। हम इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि हमारे वो जा प्लस 2 करके देखेंगे, यहाँ पर हो गया 24 डिवाइड बाय 3, 3 8 24 हमारा पूरा पूरा कट रहा। दोस्तों हमने इसमें कौन सी संख्या जोड़ी थी, 2 जोड़ी थी, यही हो गया हमारा आंसर। हमने स्टार के स्थान पर 2 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा जो 3 से डिवाइड हुआ है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 के बाद, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी। दोस्तों देखते हैं इसके अंदर, इसके अंदर आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि 18 के 18 से विभक्त करने के लिए हम जो 18 को 2 पार्टों में बांट लेंगे, 9 और 2 में, 9 दुनिया 18 होता है क्योंकि। तो देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं इस 8 की लास्ट डिजिट में 3 संख्या कटनी चाहिए 8 से डिवाइड होने के लिए। तो फिर 8 में दोस्तों यहाँ पर जो देखिए 2, देखिए 2 से लास्ट में सब कट जाएगा क्योंकि ये नहीं कटने का। तो उससे यही हो गया हमारा आंसर, क्योंकि हम 2 से हमारी सम संख्या कट सकते, विषम नहीं कट सकती। तो इसलिए देख लीजिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 120 क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्णतः 24 से विभक्त होगी। तो उससे देखते हैं यहाँ पर जो 24 से विभक्त करने के लिए, तो फिर हम 24 को भी 2 पार्ट में काट लेंगे, 24 को 3 और 8, 3 8 24 हो गया। तो उससे हम यहाँ पर 3 से काट कर देखेंगे, यहाँ पर 8 से 8 में लास्ट की 3 डिजिट कटनी चाहिए। तो उससे देखते हैं यहाँ पर 718 लास्ट की 3 डिजिट कट रही है 8 से, 8 एकम 8 8 निम 72 8 8 64 8 8 64 65 66 67 68 69 70 6 आ गया 68 नहीं कट रही। दोस्तों यहाँ पर ये 68 नहीं कटने का, तो फिर हमारा 810 810 भी नहीं करना, 8 एकम 8 ये भी नहीं कटने का, और ये हमारा 804 ये भी नहीं करना, 8 एकम 8। ये हमारा 736 देखते हैं, 736 8 से 8 8 निम 72 और ये 1 और 6 8 2 16। दोस्तों हमारे 736 कट जाए तो फिर हमारा वैसे 3 से भी काट कर देखता है, 3 से मैंने रूल बताया था सारी संख्या जोड़ के फिर वो करते हैं। दोस्तों हमारे ये 3 से भी कट जाएगी, तो हमारा यही हो गया आपका आंसर। देखते हैं यही आपका डी वाला हो गया आंसर। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।